बेवफा।
सलमान मैं आई आई सलमान जाओ दरवाजा खोलो रुखसार तुम यहीं बैठो गुलाम खान दरवाजा खोलो रुखसार तुम यहां क्यों आए हो हम रुखसार से मिलने आए हैं रुखसार से अपने पास देने आए हैं रुखसार को अपने घर से निकाल कर तुम्हारा हक खत्म हो चुका है तमाम साईं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बीवी तुम्हारी शरीके हया उसको घर से निकाल दिया गया उस वक्त हम मजबूर थे बाबा जाने वो मजबूरी नहीं थी दुश्मनी थी और दुश्मनी का तुम लोगों ने भरपूर वार किया अब चल भाई बाबा जाने अगर ये हमें मालूम होता कि अब्बू जान हमारा हाथ कलारे पाक पर रखवा कर रुखसार को घर से निकलवा रहे हैं तो बाखुदा हम अपने हाथ कटवा लेते कटाने के लिए हरक मैं तैयार बैठा हूं रुखसार के लिए मैं दुनिया लुटाने को सैदा हूं अब्बू जान नहीं बहुत जानती की मगर आप हक में हैं मैं अगर इतनी बड़ी रकम न मांगती तो इंतकाम की इतनी बड़ी चिंगारी नहीं उठती तुम्हारे पास शेर खान ने हमारी बहन भेजी है उसकी अवज में हम तुम्हारी लाश भेजेंगे नहीं अफजल ये दामाद है अभी इसे तलाक नहीं दिया है लेकिन कह दो इससे हाँ बाबा जानी कहो क्या कहना चाहते हो यही कहना चाहते हैं ना तलाक दे दे और चल ऐसे गंदी गाली बजे बाबा जानी हम अपनी कसम तोड़ देंगे नहीं वो प्यार करते हैं जो कुर्बानी से लेते हैं रुखसार के लिए हम अपनी जान कुर्बान करते हैं गुस्ताख करके अपनी बकवास बंद कर और निकल जाए यहां से अब रिश्ता तुम्हारा तभी होगा जब शेर खान हमसे माफ मांगेगा बाबा जानी अपने गुरूर को जिंदा रखने के लिए हमारी मासूम मोहब्बत पर दुश्मनी का किला मत बांधे जिसकी बुनियाद खून की नदियों पर रखनी पड़े खुदा हाफिज बाबा जानी मैं शेर खान के खानदान को बर्बाद कर दूंगा नस्ते नाबूद कर बेटा साईं हम उनको मारेंगे मगर ऐसे नहीं तेरा कुत्ता कहां है हाँ मेरा कुत्ता उसे जरूर मेरा कुत्ता ही उसे जरूर बदला लेगा धधकती आग सिरेगी तभी ठंडी मेरे होगी जब मैं मारूंगा शेर खान को तसल्ली दिल को तो होगी सताया है बहुत उसने उसे मैं सताऊंगा रुलाया अच्छी तरह उसने उसे मैं से रुलाऊंगा बाबा जाई
जो मैं कहना चाहता था तुम सब समझ गए। जाओ अपने कुत्ते की मदद से आंसू को खत्म कर, इससे किसी को ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किसने मारा है। जाओ। जी बाबा जानी, ऐसा ही होगा। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और आंसू मर गया।
आप बहुत पछताता होगा। अचल जाओ मैं आ गया, तूने मेरे बेटे को मारा था, आ जा करता तू आ जा। नहीं भाईजान, आप फतेह खान और शौकत खान कल का सुलह नहीं देखेंगे। हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन जुबेर खान हमारे सीने में इतना दम उतारने वाले को इतनी आसान मौत नहीं देंगे। जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा एक एक बूंद के लिए अपना दम तोड़ देता है, उसी तरह फतेह खान अपने इंतकाम तड़प तड़प कर मरेगा। फतेह खान अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होती है। चांद नहीं दाग है मेरे लिए, चल बेटा फतेह जाकर आजान दे दे, क्या तू सोच रहा है? मैं सोच रहा हूं वो दौर कितना सुनहरा था जब बेटी के पैदा होते ही
दफना दिया जाता था, पैदा होते ही मार दिया जाता था। छोड़ दे बेटा ऐसी बातों को, खलना छोड़ दे बेटा, चल अब ज्यादा सोच विचार मत कर, चल। देखो कंचन बेटी को लाई है, आजान दे दे, ज्यादा फते सोच मत, देख इसे देख। आओ सांप है, सांप सपोला है, अनाज है। अम्मी जान ऐसी बात दोबारा मत करना। शेर खान को भी खबर हो गई होगी, अब उसे आना ही पड़ेगा और फतेह खान के आगे उसको झुकना ही पड़ेगा। वक्त की सुई ऐसी होती है जो सबको झुका देती है। अब आओ शेर खान, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, आओ एक दिन तुम्हें आना ही पड़ेगा। वक्त की सुई तो इस बच्चे ने रोक ली है, मेरी मानो, अब मिठाई खाओ सर और इस बच्चे को लेकर हमारे पीछे पीछे चले आओ, तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और इस हवेली की भी इज्जत रह जाएगी। चले जाओ शेखान, अपनी इज्जत चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ, चले जाओ शेखान, चले जाओ। रुखसार के बिना एक पल मेरा नहीं लगता, ये दुश्मनी कैसे हमें कैसे दिन दिखा रही है। सलमान हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम क्या करें चाचू, हम मर जाएंगे रुखसार के बिना, हम तो मर जाएंगे। हम लाएंगे रुखसार को, हम जाएंगे लेने, तुम सरहद पर रहना और मैं वहां से उसको निकाल कर तुम्हारे पास लाऊंगा। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं। Thank you.
पढ़ना नहीं चाहिए। हमें पता चला है कि वो आज इधर से ही रुखसार को लेने आ रहा है। वो बच नहीं पाएगा। जाओ, 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 जाओ
चाची को चुबेर मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। कैसे भाई है कैसे बाप है, चेहरे पे आपके सिकंद भी नहीं है। इसी इंतकाम में कहीं आप अकेले न रह जाए, आज मैंने भी खून में हाथ रंग लिए, आज मैं भी हैवान बन गया। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत, नहीं चाहिए जिसकी दुनिया खून से लिखी जा रही है। नहीं चाहिए अबू इस जंग में, नहीं चाहिए अबू इस जंग में, कहीं आप अकेले अकेले ही न रह जाए। और आप भी अकेले नहीं, कोई दिया जलाए आपको तो न रहे। सलमान शेर जंगल में अकेला और शेर खान हवेली में अकेला। अबू आप कहीं, हाँ मैं पागल हूं इंतकाम में, मैं पागल हूं। फतेह खान मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं फतेह खान, मैं आ रहा हूं। नाह करम करना, नाह करम करना।
रशीद खान चले जाओ और ये बच्चा मुझे दे दो। सज्जन ठाकुर आप बीच में ना पड़े, ये फतेह खान साहब का हुक्म है, हमारे रास्ते से हट जाओ, ये अच्छा नहीं होगा। फतेह खान साहब का हुक्म है, हमें बच्चे को जिंदा दफनाना है। ऐसा हुक्म फतेह खान को क्या हमारे भगवान भी दे दे तो हम उसके आड़े आ जाएंगे। रुखसार हम राजपूत भाइयों की बहन है और उसकी रक्षा करना हम सब भाइयों का फर्ज है। उसकी रक्षा करने के लिए हम अपनी जान तक भी दे सकते हैं। तो ठीक है, तैयार हो जाओ, लगता है तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है। इससे पहले हम तुम्हारे खून से होली खेले, चले जाओ यहां से, चले जाओ। खान साहब का हुक्म हम अपनी जान दे के पूरा करेंगे। तो फिर ठीक है, हमें तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी, आ जाओ। राम सिंह, भजन सिंह, हम सब आ गए हैं, अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलो बहन, तुम हमारे घर चलो। सज्जन साईं, ये बच्चा हमें दे दो, हमें दे दो। सज्जन साईं, काका साहब, बच्चे तक पहुंचने के लिए हम पांच भाइयों की लाश से गुजरना पड़ेगा। सज्जन साईं, दुश्मन की औलाद को मौत तक पहुंचाने के लिए आज मैं लाशों के समंदर से निकल जाऊंगा। तुम पांच क्या हो? इतना आसान नहीं है काका साहब। इसकी मौत दुश्मन के दिल पर सबसे गहरा चट लगता। भाई, बच्चे को हमें दे दो, नहीं तो हम आपका जिस्म गोलियों से छलनी कर देंगे। काका साहब, इस बच्चे के पांच मामा हैं, जिसमें 10 माँ होगा। जिस बच्चे पर 10 माँ का साया हो, उसे मौत का साया तो क्या कोई नहीं छू सकता। मैं भी कहता हूं, हट जाओ सज्जन साईं, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। नहीं काका साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान जाओ सज्जन साईं, नहीं, हट जाओ रास्ते से। नहीं काका साहब, हटो सज्जन साईं, रास्ते से हट जाओ। ये क्या शेर खान? फतेह खान, ये गोली
हम आपके सीने में भी मार सकते थे। सोचा था शेर खान के पोते को मारकर इंतकाम दूंगा, लेकिन अब दादा और पोते को दोनों को एक साथ मारने का मुकद्दर बन गया है। जिनकी ये जंग तेरे मेरे पीछे, फतेह खान अगर हिम्मत है तो तलवार था और आ, हम दोनों निपटते हैं। ठीक है शेर खान, आओ। हाँ हाँ आओ। सलमान बेटे, हमारे लाडले और रुखसार को अपने घर ले चलो। फतेह खान, शेर खान, आओ, हमारा तुम्हारा फैसला हो ही। हाँ हाँ, फैसला हो ही जाए। किस्सा का इसी तरह से भाई, सत्य कहानी इस